तो अभी हमने फिजिकल बैरियर्स की बात की थी, जिसमें हम लोग पहला जो था उसमें मेम्ब्रेनस डिवाइस देखे थे, कंडोम, हेमिडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बॉट्स, और दूसरा जो डिवाइस था आयु बीज, उसकी बात की थी। बायोलॉजिकली इनर्ट आयु बीज, कॉपर रिलीजिंग आयु बीज एंड हॉर्मोन रिलीजिंग आयु बीज। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, दैट इज द केमिकल मेथड्स। केमिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ए बैरियर्स। केमिकल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ए बैरियर्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ गैमेट्स बाई किलिंग द स्पर्म्स। ठीक है, केमिकल्स जो है वो बैरियर का काम नहीं कर सकता है। केमिकल बैरियर का काम आपको कैसे कर सकता है? बाई किलिंग द स्पर्म्स। So usually what happens whenever female uses membranous devices, जब female membranous device use करती है, bonds use करती है, cervical cap use करती है, तो वहां chances होते हैं कि कुछ sperms रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पास कर सकता है। सो ऐसे केस में फीमेल इज ऑल्सो यूजिंग एस्पर्मिसाइडल क्रीम, एस्पर्मिसाइडल जेली, राइट? सो दीज आर द केमिकल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द एस्पर्म्स together with the use of the physical devices. In this way, spermicidal cream acts as a chemical barrier. Clear? Now, इसके अलावा chemicals can be used to prevent formation of gametes. राइट, गैमेट्स के फॉर्मेशन को चेक कर सकता है। इवन आई माइट हैव टोल्ड यू दैट नाउ स्पेशल केमिकल्स आर यूज्ड एंड आर प्रेजेंट व्हिच कैन बी यूज्ड बाय मेल्स टू स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस। हाउएवर इट इज नॉट इन कॉमन प्रैक्टिस, बट द केमिकल which are used to stop oogenesis, which are used to stop ovulation, are common in practice. Clear? So, इसमें हम लोग pills की बात करेंगे, chemical pills, hormonal pills. हम लोग injections की बात करेंगे, हम लोग implants की बात करेंगे, और हम बात करेंगे स्पेसिफिक पिल्स जिसको हम आई पिल्स कहते हैं। सो ऑल दीज आर द केमिकल्स, ये सभी केमिकल्स है एंड ऑल ऑफ देम हैविंग हार्मोनल प्रिपरेशन। ऑल ऑफ देम क्या है? सबके पास क्या है ना? हार्मोनल प्रिपरेशन। ये सारे हार्मोन्स रखते हैं एंड हार्मोन्स जो है यूजुअली जो हार्मोन्स यूज होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन लाइक कंपाउंड्स, प्रोजेस्टाजिन। आर्टिफिशियल केमिकल है, ठीक है? अब देखो पिल्स में दो तरह के पिल्स हमारे पास है, दो
क्या है उस पिन का नाम बताओ। सहेली। क्या है? सहेली। आपको बताया था ना कि सहेली जो है सीडीआरआई में डेवलप किया, नॉन स्टेरॉइडल पील है। और ये क्या है? वंस ए वीक पील है, ध्यान रखना, वंस ए वीक पील, यानी सप्ताह में एक ही पील यूज करना है। एंड साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है। दूसरा जो पील है उसको 21 डेज कंटिन्यूअस यूज करना होता है, समझे ना? 21 डेज कंटिन्यूअस क्या होता है इसको? यूवन है ये डेली खाने वाला जो है पिल है। अक्सर जो है लेडीज को जो है इसको यूज करते हैं डेली, भूल ना जाए इसके लिए। अदरवाइज इट हैज टू टेक फॉर 21 डेज ड्यूरिंग द इंक्लूडिंग द फर्टाइल पीरियड। अब इसमें है क्या? इसमें हो सकते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन और ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन भी हो सकता है, राइट? आईपीएस सेम केमिकल इसमें भी है लेकिन इसका नाम है आईपीएस, मतलब इमरजेंसी पीस। यदि किसी कारणवश कोई भी कंट्रासेप्टिव फेल हो गया या मान लो सोशल क्राइम होता है तो आफ्टर क्वाइटस, आफ्टर मेटिंग, आफ्टर रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ये फेल यूज होता है इमरजेंसी फेल, दैट कैन वर्क इवन इफ इट इज यूज अप टू 72 आवर्स आफ्टर द पॉइंट्स, समझ गए ना? यदि 72 आवर्स तक इस पिल को यूज करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नील हो जाते हैं, ठीक है? बट इट हैज टू बी यूज ड्यू टू फेल्यूर ऑफ एनी कंट्रासेप्टिव और ड्यू टू सोशल क्राइम, और इफ कपल फॉरगेट्स टू यूज द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंजेक्शंस, इंजेक्शन है ये। अब इंजेक्शन किस चीज का है? ऑल्सो द इंजेक्शन है हार्मोनल प्रिपरेशन, ठीक है ना? तो इंजेक्टेबल्स है। अब पिल्स में आपने क्या देखा? इसमें तो 21 डेज लगातार, फिर 7 डेज नहीं तो फिर 21 डेज लगातार, नहीं इसमें भी क्या है? वन से वीक खाना तो करेगा, टाइम भी फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आज खा लिया, सप्ताह में एक दिन गए मंडे से संडे तक, और संडे के बाद फिर सोचा अच्छा मंडे आ गया अगले दिन खा लिया, ऐसा नहीं। वन से वीक करने का मतलब हमको ये याद रखना है कि वीक में एक दिन, जिस दिन आज यूज किए हैं नेक्स्ट वीक उसी दिन यूज करना है, जिस टाइम आज यूज किए हैं नेक्स्ट दिन भी, नेक्स्ट डे भी, मतलब नेक्स्ट वीक का जो डे है उसमें भी उसी टाइम यूज करना, ठीक है? तो ये इफेक्टिव रहेगा। दिन तो कम से कम जरूर मिलना चाहिए, टाइम में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, 7 बजे के बदले 8 बजे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कंसिक्वेंट डे नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए इंजेक्शंस में क्या होता है देखो, ये भी वही है हार्मोनल प्रिपरेशंस, इसको इंजेक्ट करते हैं। इसका फायदा क्या है? ये लगभग 3 मंथ्स तक काम करता है, 3 मंथ्स तक काम करता है, यानी बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं होती या नहीं रखना पड़ता, राइट? इम्प्लांट्स,
इम्प्लांट्स आर ऑल्सो द केमिकल्स, केमिकल प्रिपरेशन हैविंग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन एनालॉग्स, जो सर्जरी के द्वारा सबक्यूटेनियस पार्ट में प्लेस कर दिया जाता है और इससे हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, तो इट लास्ट मोर देन दैट ऑफ द इंजेक्शन व्हाट इवन दे बी, ऑल दीज आर द केमिकल। ये सभी क्या है, केमिकल्स है हैविंग प्रोजेस्टेरोन एनालॉग्स एंड अल्टर्स वोजेनेसिस मेक्स द सर्वाइकल फ्लूइड थिक एंड एंडोमेट्रियम बिकम्स अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इन दिस वे दीज केमिकल्स आर यूज टू कंट्रोल बर्थ एंड हेंस पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेक्ड, राइट। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी बात, हम आगे बढ़ते हैं कि किसी कारणवश यदि प्रेगनेंसी हो गई, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये डिवाइसेस फेल कर गए या हमने कोई डिवाइस यूज ही नहीं किया, बट वी वॉन्ट नॉट टू हैव द चाइल्ड, इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड, देन वी हैव टू अबॉर्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो, दैट इज एमटीपी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अब एमटीपी।